आपने ट्रेन में सफर किया है? अगर किया है तो क्या आप विंडो सीट वाले हैं या फिर स्लीपर कोच वाले, जो ऊपर की बर्थ में बैठने का आनंद लेते हैं कि अपने को कोई मतलब नीचे क्या चल रहा है उसमें नहीं पड़ना, हम आराम से ऊपर बस अपनी चादर तान के सो जाएंगे। या फिर आप वैसे पैसेंजर हैं जो बिल्कुल साइड वाली जो चेयर होती है ना खिड़की के पास वाली, वो जो चेयर वाली दो सीट्स होती है वहाँ बैठना पसंद करते हैं, ताकि आते जाते कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी वो चना जोर गरम, कुछ न कुछ बस आने दो, सफ़र में मज़ा होना चाहिए। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है या आज भी करते हैं तो आज की बात आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रेन के सफ़र को समझते हैं वो ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हवाई जहाज़ में सफ़र करना, प्लेन में जाना या बस में, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन ट्रेन की ना जो एक गति होती है, जो एक ठहराव चाहिए, भले चाहे कितनी फास्ट ट्रेन आ जाए, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, आज से 10 साल पहले ऐसी ट्रेन्स नहीं थी जो आज है, और आने वाले 10 साल बाद जो बुलेट ट्रेन्स और सब होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल सी चाहे कोई भी हो ट्रेन की बात कर रही हूँ। एक गति होती है, एक सफ़र की शुरुआत होती है, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप देखते हैं आपकी टिकट कंफर्म है या नहीं, फिर आप सीट पे बैठते हैं, टीटी आते हैं, कंफर्म करते हैं, आप जगह देखते हैं, आपके साथ लोग हैं या नहीं, और ऐसे कितने सारे लोग एक साथ एक जगह पर होते हैं, बैठते हैं और धीरे 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 पहले एक प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, ऐसे धीरे 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 करके पहुंचते हैं दूसरी जगह। कहना मुझे ये था आपसे कि जिंदगी हो या ट्रेन, स्लो हो ना तो भी स्टेशन पे पहुंचती जरूर है। स्लो ट्रेन्स ऑल्सो रीच। हम अक्सर जब जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता, कोई काम नहीं हो रहा होता, बात नहीं बन रही होती, तो हम मायूस हो जाते। तब मैं ना ये याद रखती हूं कि स्लो ट्रेन्स ऑल्सो रीच। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पता है, क्योंकि हमें लग रहा है शायद कि ड्राइवर जो है वो धीमे चला रहा है या इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा रोक ली, लेकिन सही वक्त आने पर हम जहां पहुंचने के लिए बने हैं ना वहां पहुंच ही जाएंगे। अगर किसी दफ्तर में कहीं कोई कुर्सी आपका इंतजार कर रही है तो वो नौकरी आपको 100% मिल जाएगी। हो सकता है आज ना बने बात, शायद कल बन जाए, शायद आने वाले रविवार तक बन जाए। मैं सच कह रही हूं, दिल से कह रही हूं, हो सकता है कि वो जगह जो आपने सोच रखी है कि यहां घर लेना है, जहां अपना खुद का मकान हो, किराए का नहीं, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, शायद 6 महीने बाद बात बन जाए, इंतजाम हो जाए और आपका सपना पूरा हो जाए। तो वक्त का ना मान रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए वक्त पे 100%। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ बात नहीं बन रही है या कुछ अड़चने आ रही है या डिले हो रहा है, तब ये बात याद रखिएगा कि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन भी अपनी मंजिल पे पहुंचती जरूर है। स्लो ट्रेन्स ऑल्सो रीच। हिम्मत देगा ये ख्याल आपको। आज की एक टॉक इसी बात के साथ यही समाप्त करते हैं। कल फिर 10 बजे मुलाकात होगी। इस ऑडियो को, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भेजिएगा जिनको आपको हिम्मत देनी है, जो कहीं ऐसे अटके पड़े से हैं और आप उन्हें कहना चाहते हैं कि होगा सब कुछ, सब कुछ होगा, जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा।